हाय गाइस, दिस इज हेल बॉय गेम। स्वागत है मेरे चैनल में आप सभी लोगों का। तो गाइस, आज हम खेलने जा रहे हैं वन ब्लॉक। तो गाइस, आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे यार, ऐसे मत करो यार, सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। चलो आपको मिलते हैं वन ब्लॉक के वीडियो में। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। डे वन होते ही मैं ब्लॉक तोड़ने लग गया, और यहाँ पर ब्लॉक तोड़ते तोड़ते भाई अभी एक घटना होने वाली है। आप देखो, ईद वहां से नीचे गिर गया। फिर मैं एक ब्लॉक लगाकर अपना प्लेटफॉर्म बड़ा करने लगा और डर्ट तोड़ने लगा फिर से। गाइस, पहली फिर मैंने डर्ट तोड़ते तोड़ते बहुत सारी डर्ट तोड़ी। फिर अचानक एक चेस्ट आ गई। मैं उस चेस्ट को खोल कर देखा तो उसमें बहुत सारा सामान था और थोड़ा बहुत खाना भी था। इतना भी सामान नहीं था, लेकिन कुछ बुक्स और कुछ ब्रेड उठाकर मैं फिर से तोड़म ताड़ी पर लग गया। मेरा यहाँ पर लेवल अप हो चुका था यार, ये टूट ही नहीं रहा था। इसके बाद तो मुझे उसे क्या बोलते हैं यार, पिकेक्स चाहिए थी। तो इसे तोड़कर मैं देखा तो ये इसे तो मैं नीचे गिरा देता हूँ, गिरता ही नहीं है। फिर इसे खड़े कर मार देता हूँ। उसके बाद फाइनली एक वुड आ चुकी थी। फिर से यार ये बोन ब्लॉक, यार ये बोन ब्लॉक मुझे बहुत दम क्या। फिर इस बोन ब्लॉक को तोड़कर जैसे तैसे मैं डर्ट कलेक्ट करने लगा। फिर बोन ब्लॉक तोड़ा तोड़ा तोड़ा। तो गाइस देखो आप सब आगे क्या हुआ। फिर फाइनली मैं अपना क्राफ्टिंग टेबल बनाने लगा, क्योंकि यार ये बोन ब्लॉक बहुत दम कर रहा था यार। फिर मैंने देखा कि अपना प्लेटफॉर्म ही बड़ा नहीं किया। फिर मैं प्लेटफॉर्म 3x3 का प्लेटफॉर्म बनाने लगा। तो यार तीन ब्लॉक ऐसे लगा कर इसे आगे एक्सटेंड कर दिया। तो गाइस मैं अभी ज़्यादा एक्सटेंड करने वाला नहीं हूँ, फिलहाल तो ऐसा ही रखने वाला हूँ। फिर यहाँ पर एक चेस्ट गाइस, क्यों बोलो तो यार सामान अगर नीचे गिर गया तो यार पूरी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। फिर यहाँ पर एक क्राफ्टिंग टेबल लगाकर मैंने एक पिकेक्स बना ली। अब मैं बोन ब्लॉक भी तोड़ सकता था, इसलिए मैं वुड भी तोड़ने लगा, सारे रिसोर्सेस जमा करने लगा। सारे ब्लॉक तोड़ते तोड़ते फिर एक पिक भी आ गया और मैंने उसे नीचे ढक लिया। फिर मैं अपनी तोड़म ताड़ी रेडी रख जारी रखा। अपनी तोड़म ताड़ी करते करता सारी रिसोर्सेस जमा करने लगा।
फिर एक गाय भी आ चुकी थी, मतलब ये मशरूम काउ थी। तो मैं इसे बचाना चाहता था क्योंकि यार फ्री का फूड मिलता है भाई इसे इससे। इससे ना एक तरह का फूड मिलता है यार, उसे क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। तो गाइस अब आगे देखो, गाइस मुझे ना एक लावा बकेट और एक वाटर बकेट चाहिए था, और वो एक चेस्ट में ही मिलता है। तो गाइस अगर अगर ये सब मिल गए तो मैं कॉबल अनलिमिटेड कॉबल स्टोन जनरेटर बना सकता हूँ। तो यार मैं इस गाय को बचाना चाहता था क्योंकि एकदम कॉर्नर पर थी। अपना मैं प्लेटफॉर्म एक्सटेंड करने लगा ताकि गाय ना गिर सके, तो ये हो जाता है। तो फिर मैं आगे, अगर आगे आगे से कोई काओ या शीप आए तो उसे ना गिरा, इसलिए मैं एक प्लेटफॉर्म बनाने लगा बड़ा सा। ब्लॉक्स माइन करते करते हुए गाइज मुझे फिर से एक चेस्ट मिली जिसमें यार सेम ही आइटम्स थे, मतलब कैरेट्स, एप्पल और कुछ सैपलिंग। गाइज मुझे सैपलिंग्स की ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि मैं इसे पेड़ उगा सकता हूँ, अगर पेड़ उगा के अनलिमिटेड वुड्स लगा सकता हूँ। तो गाइज उसके बाद मैं ब्लॉक एक्सटेंड करने लगा, प्लेटफॉर्म बढ़ाने लगा। फिर इसके बाद मैं थोड़ा आगे ब्लॉक्स लगा कर जो सैपलिंग मुझे मिले थे ना उसे लगाने आगे जाने लगा। मेरे पास जितने भी सैपलिंग्स थे मैंने उसे यहाँ पर सारे के सारे सैपलिंग्स लगा दिया। मेरे पास सिर्फ 80 सैपलिंग्स थे तो मैंने यहाँ पर सारे के सारे सैपलिंग्स लगा दिया और फिर से मैं आगे निकल गया।
ब्लॉक स्टोर ने अपना सारा सामान स्टोर करा, क्योंकि नीचे अगर गिर गया ना यार, सारा सामान चल जाता है वॉइड में। फाइनली गाइज हमारी फर्स्ट शिप आ चुकी है। तो गाइज मैं उसे नीचे नहीं गिराना चाहता था, इसलिए मैं उसे वहीं छोड़कर फिर से ब्लॉक्स तोड़ने लग जाता हूँ। फिर से तोड़ते तोड़ते यार फिर से दो शिप्स आ जाते हैं, तो उसे नहीं गिराना चाहता हूँ। फिर भी ये एक दूसरे से लड़ झगड़ कर गिर ही जाते हैं यार, दिल से बुरा लगता है। फिर मैं कुछ स्टिक्स बनाकर बकरियों के शीप्स के वास्ते फेंस बनाने लगा। मैं स्टिक्स से एक वुडन एक्स भी बनाया, क्योंकि इनकी साफ सफाई भी करना है मुझे। तो गाइस मैं सिर्फ शीप्स को रखना चाहता हूँ यार, ये पिक्स को मुझे रखना पसंद नहीं यार माइनक्राफ्ट में। तो मैं इसे नीचे ढकल लेता हूँ, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ शिप्स ही थे। तो गाइज मैं एक को हिट करता हूँ, लेकिन मैं देखता हूँ कि एक शिप नीचे गिर चुकी है, इसलिए दोनों को रख कर मैं अपना फिर से काम स्टार्ट कर चुका हूँ। मैं दोनों के वास्ते फेंसेस के लिए लकड़ी देखता हूँ, पर गलती से ये हो जाता है। फिर मैं एकदम क्राफ्टिंग टेबल में जाकर हे बेल बना लेता हूँ, ताकि उसे हील कर सकूँ, लेकिन वो हील ही नहीं होता। लोगों को ब्रीड करा कर मैं एक को मार देता हूँ। फिर इसे मार कर मैं उसके बच्चे को सारी वीट खिला देता हूँ। फिर उसके बाद मैं फिर से ब्लॉक्स तोड़ने लग जाता हूँ, क्योंकि हम मुझे अनलिमिटेड काबल स्टोन जनरेटर भी बनाना था। उसके वास्ते वाटर बकेट और लावा बकेट चाहिए, वो इसमें से ही मिलेगा। तो एक काव भी आ जाती है, मैं इसे रखना चाहता था, इसलिए थोड़ा साइड साइड से ले जाकर इसे रखता हूँ। फिर से ब्लॉक तोड़ने लग जाता हूँ।
फिर मैं हेबल तोड़कर, मुझे हेबल मिल जाती है इसलिए मैं प्लेटफॉर्म बड़ा करने लगता हूँ, क्योंकि यहाँ पर यार मैं शीप्स को रखूँगा, क्योंकि इसे से ही मैं दिन कर सकता हूँ। तो मैं प्लेटफॉर्म एक्सटेंड करने लग जाता हूँ। फिर उसके बाद मैं इतना कंप्लीट हुए बाद फेंस बनाने लगता हूँ। तो गाइस जितनी वुड थी उतने सारे के प्लैंक्स बनाकर स्टिक्स बनाने लगता हूँ। फिर उसके बाद मैं फेंस बकरी के लिए एरिया बनाने लगता हूँ। फिर इसके बाद मैं अपने सारे एनिमल्स को अंदर ला कर उनको लालच देकर अंदर बंद कर देता हूँ। आज के लिए इतना ही काफ़ी। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।